नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि ये जो समय है, ये समय हमारे देश में 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर हर कोई इसमें ज्यादा व्यस्त है। इस चुनाव का महत्व क्या है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसके परिणाम घोषित होने के दिन हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री का नाम भी घोषित होगा और तमाम राज्यों के सांसदों के नाम का भी ऐलान होगा। हमारे द्वीपों में भी सियासत का असर दिखना शुरू हो चुका है। कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड एमपी कैंडिडेट्स यानी स्वयं घोषित सांसद उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से विष्णु पदरे जी का नाम का ऐलान हो चुका है और कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर उनका नाम पार्टियों की ओर से घोषणा होने पर वे खुलकर जनता के समक्ष आएंगे और प्रचार प्रसार का काम शुरू करेंगे। अब हम जो आप लोगों को सुनाने व बताने जा रहे हैं, वह सुनकर व जानकर शायद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आपकी आंखों व कानों को यकीन होना मुश्किल हो जाएगा कि आप क्या देख व सुन रहे हो। आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो दिमाग में किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर ही कुछ ऐसी है। सबसे पहले हम आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाते हैं बंगाली भाषा में। वॉइस कॉल में जो पहला व्यक्ति है वो है अंडमान निकोबार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हल्दर जी, और जिस दूसरे व्यक्ति से उनकी बात हो रही है वह है उत्तरा पंचायत कदम तला के प्रधान श्री प्रकाश मंडल जी। 90131 90131 80 80 223 223। কিভাবে কথা বলবো, কিভাবে শুরু করব বলো। কথা বলবি যে স্যার, আপনি তো এখন এই যে যখন বিজেপির ক্যান্ডিডেট দিয়েছে না, হুম হুম আমার কথা শুনেন, আমি তো প্রধান, আমরা তো এখানে থাকি, এখানে তো এখানে আছি, আমাদের তো পুরো বাঙালি এলাকা। হুম হুম যদি বিজেপি বিজেপি যখন বঙ্গ সন্তানদের দিয়েছে না, ওর সাথে এরা কোনো কাজ হবে না, বাঙালি সব এক তরফ হয়ে যাবে। আগে যত এর হিস্ট্রি আছে, যতবার দাঁড়িয়েছে তখন এই জিতেছে, ঠিক আছে না? এ সত্যি কথা, ভক্ত দাদাও দেখছে, ও তো বিকালে টিকিট দেওয়াতে কুলদীপ ভাইয়ের দেখছে, আর না ওর সামনে জিতবে না। বলছে যে আপনি ভুল করে আপনারা এই টিকিট গুলো অন্যদিকে দিয়েন না, চিন্তা করেন, চিন্তা ভাবনা করে তারপরে করেন, বাঙালি ফ্যাক্টরটা দেখে আপনারা টিকিট দেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, বাঙালি ফ্যাক্টরটার কথা নিয়েই বলি আমি। বাঙালি ফ্যাক্টরটা মেন হতো, বাঙালি আন্দার আমলোক আন্দার কিছু কবি বাঙালি দেখে আপলোক টিকিট দিয়ে আচ্ছা রয়েগা, আমি এই নেই বলে ইসকো দো উসকো দো কি। ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে। জি হ্যাঁ দর্শকো, तो ये था उस पूरे वॉइस कॉल का कुछ अंश जो हमें सूत्रों से प्राप्त हुआ है। अब हम आपको एक एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद कर बताते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच क्या क्या बातचीत हो रही है, ताकि हमारे वो तमाम दर्शक को भी समझ आए कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच क्या बातचीत हुई जिन्हें बंगाली भाषा की समझ नहीं है। पहला व्यक्ति जो है वो एक फोन नंबर बताता है 90131 80 223 223। दूसरा व्यक्ति नंबर नोट कर लेने के पश्चात पहले व्यक्ति से पूछता है कि कैसे बात करूं, कैसे शुरू करूं। तो पहला व्यक्ति उसे समझाता है कि सर, जो बीजेपी का उम्मीदवार घोषित हुआ, बात सुनिए, मैं तो यहाँ का प्रधान हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, हमारा तो पूरा बंगाली इलाका है, जब बंगाली उम्मीदवार खड़ा किया है तो इससे इनमें से कोई काम नहीं होगा, बंगाली सब एक तरफ हो जाएंगे, इतिहास भी देखे तो जितनी बार ये खड़े हुए हैं यही जीते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जो बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है तो वो कहता है कि हाँ, यह तो सही बात है भक्ता यानी पूर्व सांसद
मनोरंजन भत्ता दादा भी जीते हैं। वो तो विशाल जौली जी को पिछली बार टिकट मिला जिस वजह से कुलदीप जी जीते हैं, नहीं तो उसके सामने नहीं जीत पाता। तो इस पर पहला व्यक्ति कहता है, तो इसलिए गलती से भी दूसरा जगह टिकट मत दीजिएगा, पहले चिंता कीजिए, विचार विमर्श कर फिर निर्णय लीजिए। उस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि बंगाली फैक्टर देखकर ही टिकट देना। पहला व्यक्ति कहता है ठीक है, इसी तरह बोलना, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उस पर दूसरा व्यक्ति आश्वासन देता है कि नहीं नहीं, किसी का नाम बोलने का जरूरत नहीं है, बंगाली फैक्टर का नाम लेकर ही बोलूंगा मैं। बंगाली फैक्टर से तात्पर्य यह है कि हमारे बंगाली लोगों के बीच से ही किसी को टिकट देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको दो या उसको दो। तो पहला व्यक्ति कहता है हाँ बस बस। अंत में दूसरा व्यक्ति कहता है ठीक है दादा, हमें पूरा यकीन है कि आप सब बुद्धिजीवी हैं और अपने विवेक का प्रयोग कर इस पूरे वार्तालाप का तात्पर्य समझ सकते हैं। सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हालदार जी ने और भी कई जनता प्रतिनिधियों से यह बात कही है। पर क्या दर्शकों, आपने इस बात पर गौर किया कि जो मोबाइल नंबर इस वॉइस मेल में श्री रंगलाल हालदार जी द्वारा नोट करवाया जा रहा है वह नंबर किसका है? 9013180223 जो मोबाइल नंबर है, हमें सूत्रों से पता चला है कि वो कांग्रेस के सर्वेयर प्रभारी जो अंडमान के लिए चुने गए हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही अंडमान के दौरे पर आए थे, एक प्रभारी का उम्मीदवार के चयन में बहुत अहम भूमिका होती है, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सवाल यह है दर्शकों की, आखिर इस फोन कॉल का उद्देश्य क्या था? क्या रंगलाल हालदार जी भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से कोई बंगाली भाषी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए? अगर हाँ, तो आज तक उन्होंने नाम का ऐलान क्यों नहीं किया? किसको इशारा कर रहे हैं? अगला सवाल दोस्तों, फिर रंगलाल हालदार जी आज तक टीएसजी भास्कर जी का समर्थन क्यों करते रहे? क्या इस फोन कॉल में हुई बातचीत के बारे में टीएसजी भास्कर जी को जानकारी है? क्या इस बातचीत पर टीएसजी भास्कर जी की भी सहमति है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी उम्मीदवार किसी बंगाली भाषी व्यक्ति को देना चाहिए? एक अहम सवाल यह भी है कि क्या यह पूरा बातचीत टीएसजी भास्कर जी के पीठ पर चाकू घोंपने जैसा है? इस पूरे विषय पर हम प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के आला अधिकारी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। अंत में हम आप सब से यह जानना चाहते हैं कि आखिर रंगलाल हालदार जी ने कांग्रेस पार्टी के किस बंगाली भाषी व्यक्ति के नाम के सिफारिश के लिए उत्तरा पंचायत के प्रधान श्री प्रकाश मंडल जी से कहा? टीएसजी भास्कर जी तो बंगाली भाषी नहीं है, ना ही हमारे द्वीपों के 3 बार लगातार संसद रत्न हासिल करने वाले सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी। लेकिन रंगलाल हालदार जी जो खुद अंडमान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या वे बंगाली भाषी हैं? और हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि हम उत्तरा पंचायत प्रधान श्री प्रकाश मंडल जी से भी मिले और इस पूरे वार्तालाप के बारे में जानकारी ले। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि इस कड़ी से जुड़ी हम आगे आप लोगों को अपडेट जरूर देंगे, तो इस वक्त हमारे साथ जो है उत्तरा पंचायत के प्रधान श्री प्रकाश मंडल जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर, बेशक कदमतला जहाँ के आप प्रधान हैं उत्तरा पंचायत के, वहाँ पे निवासी लोग हैं, आपको जानते होंगे, थोड़ा हमारे दर्शकों को, तमाम अंडमान निकोबार के दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। प्रकाश मंडल मेरा नाम है, मैं प्रधान ग्राम पंचायत उत्तरा का है। आप पहली मरतबा आप प्रधान बने, इससे पहले से आप प्रधान भी थे, और कितने साल से आप राजनीति में हो और पीआरआई मेंबर कब से हो? देखिए, पंचायत बोलने से आईएनसी कांग्रेस पार्टी में मैं बाई बर्थ से ही है, क्योंकि पंचायत राज में मेरा पिताजी 3 बार प्रधान थे, उसके बाद में हम इस बार फर्स्ट प्रधान हुआ उत्तरा ग्राम पंचायत के, तो हम लोग बाई बर्थ से ही कांग्रेस जी है। सूत्रों के हवाले से वो वॉइस रिकॉर्डिंग मिला था, तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है उसकी आप पुष्टि करते हो कि वो आप ही है? जी हाँ, वो मैं ही हूँ। तो तमाम जो वार्तालाप हुआ था वो आप ही के साथ हुआ? जी जी जी।
तो आप थोड़ा खुल के उस बारे में हमें हमारे दर्शकों को कृपया बताएंगे। जब बीजेपी कैंडिडेट का टिकट डिक्लेयर हुआ तब मुझे सुनाई में आया कि हमारा जो प्रेसिडेंट है रंगलाल हल्दर जी, इन्होंने भी एमपी कैंडिडेट बनने के लिए सपना देखता। तो उसके बाद में मेरा पास उनका फ़ोन आया, तो हम उनसे बात निकालने के लिए, बस सच है कि झूठ है तो अपनाने के लिए हम उसको बोलने से पूछा है। पूछने से वो बताया कि हाँ हम कैंडिडेट बनने मांगता, अगर आप लोग जितना भी बेंगोलीस है प्रधान है इन लोग अगर फ़ोन करके मणिकम टैगोर जी को बोलेंगे तो तब जाके मेरे को टिकट मिलेगा। इस तरह बोलना कि बीजेपी कैंडिडेट बेंगोली को टिकट दिया और अंडमान में बेंगोली ज़्यादा है तो बेंगोली देख के ही आप लोग टिकट दीजिए, यानी इनडायरेक्टली मुझे समझाने मांगता, बोलने मांगता कि उनको टिकट हाईकमांड से मिले। इस तरह बात मेरे से रंगलाल बोला है। तो अंडमान निकोबार में जितना भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है मैं सबको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रेसिडेंट, अब पहले हमारा कांग्रेस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं था, एक ही पार्टी था, कोई पार्टी के अंदर कोई लड़ाई या दो टुकड़ा नहीं था। ये हमारा रंगलाल हल्दर जी जब से प्रेसिडेंट बना तब इस तरह बोलने से ग्रुपबाजी, पार्टी को टुकड़ा टुकड़ा करना, सारा डैमेज करना, ये काम शुरू किया। और आज भास्कर जी का साथ उन्होंने घूम रहा है, लेकिन भास्कर जी को भी मालूम नहीं होगा कि वो खुद एमपी बनने का सपना देख रहा है अंदर अंदर में। तो मैं हर कार्यकर्ता को, हाईकमांड को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ना अंडमान में कभी हम लोग बेंगोलीस नॉन बेंगोलीस कोई हम लोग जाति पाति नहीं देखता, जो भी है हम लोग मिनी इंडिया में मिलजुल के रहता है, इसमें कोई ना बेंगोली का फैक्टर है, ना कोई तमिल का फैक्टर है, ना कोई अदर कास्ट का कोई फैक्टर है, ना जाति धर्म लेके हम लोग कभी लड़ता। हम लोग जो कांग्रेस जी है वो कांग्रेस में ही वोट डालता, इसमें पार्टी किसी को भी टिकट दे, जितना भी पार्टी का एक ही प्रिंसिपल था, जिसको टिकट मिलेगा हम लोग सब एक साथ में काम करेंगे। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट का विचार या थिंकिंग आप लोग खुद देखिए कि वो किस तरह नमक हरामी है। तो हाईकमांड से मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा मैसेज को सुनिए और इस तरह कैंडिडेट को जल्दी जल्दी अपना पद से बॉयकॉट कराइए, नहीं उनसे पार्टी को जितना भी डैमेज किया करना था कर दिया, आगे जाके और ना कर पाए। मुझे सुनाई में आया कि रंगलाल हल्दर जी भी एमपी का कैंडिडेट बनने का सपना दिखता है, तो उनका जब फ़ोन आया था तो उनको जो बातचीत से वो खुद मुझे बता रहा है कि आप लोग अंडमान रंगत ब्लॉक का जितना भी प्रधान श्लोक है थोड़ा मणिकम टैगोर जी को फ़ोन करके बोलिए कि अंडमान में बहुत बड़ा फैक्टर है बेंगोलीस, तो बेंगोली को टिकट देने से ही अच्छा वो जीतेगा। तो इसलिए उसको बात निकलने के लिए मैं बोला। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रंगलाल हल्दर जी जब भास्कर जी को नहीं हो सका तो आप किसी का भी नहीं है। इस तरह फीलिंग्स और इस तरह विचार भाव रखने वाला कैंडिडेट अगर हमारा पार्टी के अंदर रहेंगे तो जितना डैमेज करना था कांग्रेस पार्टी को इन लोग कर दिया है और आगे जाके ना कर पाए, उसको एक स्टेप आप लोग लीजिए। सर ये जानना चाह रहा हूँ, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपको कॉल करके उन्होंने कन्विंस करने का ट्राई किया है अपने उम्मीदवारी के लिए कि और भी कांग्रेस के पीआरआई मेंबर्स वगैरह को किया होगा? जब मेरे को कर सकता, मेरा ख्याल से तो और भी कैंडिडेट को बोला होगा, जब बंगाली देख देख के कि जो उनका साथ में लगा हुआ अभी प्रेसिडेंट है तो पार्टी का एक प्रेसिडेंट होने से प्रधान लोग साथ में तो उसका रिलेशन रहेगा, तो उनको जो खास खास आदमी है तो बोला होगा। थैंक यू। अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम जल्द आप लोगों के समक्ष इस पूरे मामले की और भी कड़ी पेश करेंगे जहां कई बातों का खुलासा होगा। फिलहाल मैं यमीन, न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेता हूं। नमस्कार।